जी सर। देखिए, दिनांक 8/7/2024 को मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में रहने वाली श्रीमती शिल्पा गांधी ने हमें एक रिपोर्ट दी कि उनके घर में एक माह पूर्व लगभग 13/6 को रखी गई एक नेपाली युवती करिश्मा द्वारा उन्हें रात्रि में खाने में कुछ सेडक्टिव मेडिसिंस मिक्स करके और घर में लूटपाट की है। घटना चूंकि काफ़ी गंभीर थी और घटना के दिन घर में रहने वाले चारों ही व्यक्ति, पति पत्नी और दोनों बच्चे, मूर्छित अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस घटना की सूचना पर हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त महिला करिश्मा, जो शिल्पा के द्वारा अपनी फ्रेंड के सजेशन से एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इसके घर में रखी गई थी, उक्त महिला का मोबाइल नंबर और घटना के पश्चात जिस स्थान से ये सभी आरोपी भागे थे वहाँ के सीसीटीवी के विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इस घटना में लगभग 9 से 10 लोगों की संलिप्तता थी। घटना की जानकारी मिलने पर टेक्निकल एनालिसिस कर और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमने इसमें एक अर्टिगा गाड़ी जिसका नंबर UP70MT6925 की संलिप्तता पाई। उक्त गाड़ी प्रयागराज में रजिस्टर्ड थी। इस पर करिश्मा का मोबाइल था, चोरी का था। तत्पश्चात हमारी एक टीम उक्त टेक्निकल एनालिसिस के पश्चात दिल्ली गई। दिल्ली में हमारी एक टीम जो SHO सुखेर श्री हिमांशु सिंह के नेतृत्व में थी, साथ ही पर्यटन थाना प्रभारी करणवीर और SHO बेकरिया धनपत, इनके नेतृत्व में एक टीम हमारी प्रयागराज थी। इन टीम सभी टीमों ने बहुत ही मेहनत से नेपाल पुलिस, दिल्ली पुलिस और UP पुलिस के सहयोग से इस घटना में संलिप्त अभी 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये तीनों लोग एक वीर बहादुर उर्फ बल बहादुर निवासी नेपाल, हीरा सिंह निवासी नेपाल और अफजल जो उस कार का ड्राइवर था, इन तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वीर बहादुर और हीरा सिंह दोनों ही नेपाल के डिस्ट्रिक्ट टोडी के निवासी हैं। इन दोनों ने मिलकर नेपाल से अपने जो साथी गैंग के सदस्य हैं, जिसमें करिश्मा जिसका मूल नाम लक्ष्मी है, इसके अतिरिक्त दिनेश, मिथुन, कांचा उर्फ सुरेंद्र, सनी, शिवा और राहुल, इन सबको नेपाल से बुलाकर यह गाड़ी प्रयागराज में किसी पंकज नाम के व्यक्ति की थी, जिससे यह गाड़ी हायर करने के पश्चात उस गाड़ी के ड्राइवर अफजल से मिलकर ये संपूर्ण वारदात कारित की। घटना के दिन जो मौके पर मौजूद थे उसमें दिनेश, मिथुन, कांचा और सुरेंद्र, सनी, शिवा और राहुल, ये सब लोग घटना के दिन मौके पर थे। इनमें से दिनेश, मिथुन, सनी और शिवा, ये सब लोग गाड़ी से उतर करके करिश्मा के द्वारा जब फ़ोन पर उन्हें सूचना दी गई कि चारों ही परिजन मूर्छित हो गए हैं, तब ये सेलिब्रेशन मॉल के पास, क्योंकि पूर्व से ही गाड़ी में तैयारी अवस्था में बैठे थे, तो इन 7 लोगों में से 4 लोग, दिनेश, मिथुन, सनी और शिवा, गाड़ी से उतरकर संबंधित मकान पर गए और करिश्मा के सहयोग से ये संपूर्ण लूटपाट की घटना मौके पर कारित की। और लूट करने के पश्चात ये चारों व्यक्ति सेलिब्रेशन मॉल पर पूर्व में खड़ी गाड़ी, जिसमें अफजल, कांचा और सुरेंद्र और राहुल ऑलरेडी थे, उनके साथ मिलकर यहाँ से फरार हो गए। और यहाँ से जाने के बाद इसे नेपाल बॉर्डर पर अफजल द्वारा छोड़ा गया। अफजल को और गाड़ी को हमने
अफजल को हमने गिरफ्तार कर लिया, उसके कब्जे से गाड़ी जब्त कर ली है। इस सारी घटना का वो मुख्य सूत्रधार था, वो वीर बहादुर उर्फ बल बहादुर है, जो पूर्व में भी मेरठ में करोड़ों की डकैती में, इसी तरह की तरीका वारदात की डकैती में पिछले कई वर्षों से वांछित है और 5 लाख का इनामी बदमाश है। यह वह व्यक्ति है जो यूपी, नोएडा, दिल्ली में नेपाली लोगों को, नेपाली युवक युवतियों की मदद से लोगों को विश्वास में लेकर के वहाँ पर घरों में नेपाली युवक युवतियों को रखवाता है। तत्पश्चात महीने 20 दिन में उस सारे घर की डिटेल लेकर के और वहाँ पर नकबजनी, लूट और डकैती की वारदात कारित कराता है। यह व्यक्ति इतना खतरनाक है कि इसकी दिल्ली पुलिस इसके पीछे है, यूपी पुलिस इसके पीछे है और साथ साथ हरियाणा की पुलिस भी इसके पीछे है। इसी की पूछताछ से जब हमने इसको गिरफ्तार किया, इसी की पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर कल हरियाणा पुलिस ने लोहाना डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह की मोडस ऑपरेंडी की एक डकैती की वारदात को होते होते रोका और रंगे हाथों एक नेपाली युवती कीर्ति को किसी डॉक्टर कार्तिक के घर में डकैती करने की वारदात के दौरान रंगे हाथों पकड़ा, जिसके पास रंगे हाथों बड़ी मात्रा में जो लूट की गई ज्वेलरी और कैश की मात्रा थी वो बरामद की।